ऑल राइट, आज डेट है 25 सितंबर, ठीक है। देखते हैं हमारे मार्केट ने आज ओवरऑल क्या किया, और जो मैं आपके साथ स्टॉक्स वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ वो सब कैसे परफॉर्म करे वो सब भी देखते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछा था कुछ स्टॉक्स रिलेटेड, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेटअप से। तो बैंक निफ्टी में मुझे आज कुछ भी खास पैटर्न नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट मूव ही नहीं किया। मार्केट मेरे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में पूरा दिन इस तरह से फंसा रह गया। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ से मिला सर, आप फ्री टेलीग्राम चैनल पर चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा। अभी आपके सामने भी ड्रॉ करके सिखाएंगे आपको, जैसे हम हर रोज सिखाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए पैटर्न्स और सेटअप की, जो एक ही पैटर्न मुझे दिख रहा है यहां पे, एक छोटा सा एम पैटर्न, ठीक है, जिसने 1:1 के आसपास का टारगेट दिया था, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं मिला, ठीक है, 1:1 के आसपास। उसके बाद मार्केट कॉल पुट चाहे जो भी लॉस लॉस होना तय है, चाहे कॉल लो या फिर पुट लो, प्रीमियम डीके आपको यहां पे खा जाता। अगर बात की जाए निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 में एक पैटर्न सिर्फ और सिर्फ बना, ये रहा कप, ये रहा हैंडल। लेकिन इस कप एंड हैंडल में टारगेट तो आया है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम ये था कि भैया यहीं पे आज का डे का बॉटम था, यहां से रिवर्सल होने का 70-80% चांस था, तो यहां पे भी कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं बना, ठीक है। अगर बात की जाए यहां पे एक बना था हमारा फेक ब्रेकआउट पैटर्न। अगर इस फेक ब्रेकआउट की बात की जाए तो यहां पे ये टॉप था और यहीं पे ये 20 मिनट में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलवा देता, तो आज नो ट्रेडिंग डे रहना था सभी का, ठीक है। तो आज मैंने चाहिए स्टॉक्स की, तो यार पहला स्टॉक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं पिछले एक हफ्ते से, वो है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक हम लोग 1670 के आसपास से देख रहे थे और 1800 का मेरा टारगेट था, अप्रोक्स नियर टारगेट आ चुका था आज के ही डेट पे 1788 पे, ठीक है। करीब करीब 100 रुपए तो इजिली 3 से 4 दिन में बढ़ गया। प्रीवियस वीडियोस वॉच कर लीजिएगा ट्रेड प्लान का, आपको सारा चीज दिख जाएगा। ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे जब हमारा एचडीएफसी बैंक यहां कहीं पे था, ठीक है, इस बॉटम पे हम लोगों ने यहां इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और अभी 1800 का मेरा टारगेट था, आज नहीं टच कर पाया, 1780 के आसपास गया। कल या परसों 2-3 दिन में ये भी टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है, और हो सकता है उसके बाद भी जाए, क्योंकि इसका आईपीओ आने वाला आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एचडीएफसी का नहीं, एचडीएफसी एक बेनिफिशियरी कंपनी है जो कि एजुकेशन से लोन प्रोवाइड करती है, एजुकेशन के लिए लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है, के बारे में भी डिस्कस करें, तो वो ही इसको लेके ऊपर जा रहा है। इसके बाद दूसरा स्टॉक हमारा जो था एनटीपीसी, इसका आईपीओ आने वाला एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी को भी अगर आप वॉच करोगे तो काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है पिछले एक हफ्ते में ही, ठीक है। ये रहा एनटीपीसी, एक हफ्ते से ही हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर इसके बाद तीसरा स्टॉक जो हमारा रहने वाला है वो पीवीआर आइनॉक्स, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पीवीआर आइनॉक्स भी ऑलरेडी करीब करीब अगर मैं देखा जाए तो 1600 के आसपास हम लोग डिस्कस किया, आप करेक्ट रेट बता दीजिए मुझे याद नहीं है, तो अप्रोक्स 5% के आसपास का रिटर्न इसने भी दे चुका है, 5% के आसपास, अगर 5 नहीं हुआ होगा तो फिर अप्रोक्स 4% के आसपास का तो रिटर्न इजीली दे चुका है। ये अभी और भी ऊपर जाना है, इसको कुछ कोई नहीं रोकने वाला है। ये 1700-1800 रुपए है ना, ये 1800 पहले टच करेगा, फिर 1850 तक भी टच करेगा, और ज्यादा दिन भी नहीं, आने वाले दिवाली तक डेट ही, मतलब 1 मंथ का मैं टाइम लिमिट लेके चला हूं इसके लिए, ठीक है। तो अगर कोई इन्वेस्टेड है तो बी इन्वेस्टेड, अगेन मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज ऑल फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है, कोई भी मेरे कहने से या फिर मेरे बताने से कूद मत जाना अंधाधुन, ठीक है, पहले अपना चार्ट स्टडी करो, अपना लर्निंग करो, ये सारी चीजों पर फोकस करो, ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए एक नए आईपीओ की, जो है केआरएन हीट एक्सचेंजर, ठीक है। तो इस केआरएन हीट एक्सचेंजर के बारे में तो आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो इसके क्लाइंट्स हैं उसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका जो क्लाइंट है हमारा डाइकिन है, ब्लू स्टार है, वोल्टास है, कैरियर है, ये सारे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां इसके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। बात की जाए कि सर इसको लेना चाहिए या नहीं, ये आप डिसाइड करोगे, कैसे, चलिए देखते हैं। देखो पहली बात, 342 करोड़ का फ्रेश इशू हुआ है। फ्रेश इशू क्या होता है सर, फ्रेश इशू मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी प्रोमोटर अपना होल्डिंग नहीं बेच रहा है इसको, मतलब कि यहां लाने के लिए कोई भी अपना प्रोमोटर होल्डिंग नहीं सेल कर रहा है, कर क्या रहा है, ये एक नए शेयर्स है जो कि मार्केट में आ रहे हैं। कितने के, 342 करोड़। मुझे पता है 342 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक अमाउंट है, ठीक है। अच्छा, आज से इसका बिडिंग स्टार्ट हुआ है, 25 से लेकर 27 तक चलेगा बिडिंग, ठीक है, और फर्स्ट डे ऑफ बिडिंग में ही, ठीक है, आज ही के डेट में 342 करोड़ वाज सब्सक्राइब 24.09 टाइम्स विद इन्वेस्टर्स बाइंग 26.48 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, अगेंस्ट द ऑफरिंग ऑफ 1.09 करोड़ इक्विटी शेयर्स, ऑलरेडी इतने सब्सक्राइब हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसका जो प्राइस बैंड होने वाला हमारा 209 से लेकर 220
तक होने वाला है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्टेड ओपनिंग है, ठीक है, वो अप्रोक्स किया जा रहा है कि 400 प्लस के आसपास ओपनिंग है। इस जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। वो तो रिजल्ट तो 3-4 दिनों में ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ट्रेड प्लान वीडियो में ही शेयर कर दूंगा कि कहां से ओपनिंग हुई है। आप तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होगे तो वहां पर भी आपको पता चल जाएगा। तो अब आप डिसाइड करिए कि भैया आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। आपको मिनिमम 14,000 के आसपास के कुछ है, मिनिमम आप इतना ले सकते हो, ठीक है। मिनिमम इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जाए कंपनी की सर परफॉर्म कैसा कर रहा है। तो इसका जो आरओई है, ठीक है, वो है 40.86%, जो कि काफी अच्छा है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें पता नहीं है तो ये भी बता दूंगा, इस वीडियो में तो नहीं, आगे आने वाले वीडियो में। आरओसीई 31.21% है, ठीक है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.45, ठीक है, जो कि अच्छा। और इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो करीब करीब है 13%, ठीक है। तो ठीक ठाक ही है, अब डिसाइड आपको करना है, ठीक है। अगेन मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था। एक का इसके बारे में पूछा, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के बारे में, सर इसको क्या किया जाए। तो भैया सीधी सी बात है, ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो होल्डिंग का सजेशन तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता, ना ही एवरेजिंग का सजेशन दे सकता। अगर आप चार्ट रीडिंग करना चाहो, एडवांस चार्ट पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, जुलाई के बाद से ये डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। 1800 के टॉप को टच करके ये अभी 1276 पे आ चुका है, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर मैं देखूं, इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं कहीं पे आ रहा है 1184 के आसपास, ठीक है। तो अगर यहां तक होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हो, नो फ्रेश बाइंग, ठीक है, इस पर कोई फ्रेश बाइंग नहीं करनी है। सेकेंड स्टॉक जो हमारा होने वाला है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में भी मुझसे किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि सर SBI में क्या किया जाए, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको एवरेज किया जाए या फिर एग्जिट किया जाए या फिर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो देखो, स्टॉक्स का फंडामेंटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कब से आया, ज्यादा तो नहीं, जुलाई के आसपास टॉप लगाया इसने 895 का, उसके बाद फिर ये डाउन ट्रेंड में है। तो अगर फ्रेश बाइंग SBI की बनती है कोई, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है SBI का, यहाँ कहीं पे ये वाला जोन ही दिख रहा है 774, थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं 793 के आसपास है, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब तीसरा जो स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ONGC। ये भी कमेंट सेक्शन का ही क्वेश्चन है कि सर ONGC में क्या किया जाए। तो अच्छा स्टॉक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें न्यूज भी अभी आई है, सारा चीज बताएंगे, ठीक है। देखिए 300 के आसपास अभी ONGC चल रहा है एक्यूमुलेशन जोन पे, ये देखो एक्यूमुलेशन जोन आप दिख जाएगा यहीं पे, मार्केट एक्यूमुलेट कर रहा है, तो एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। टॉप है इसका 340 का, अभी अभी लगाया था एक महीने पहले, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर न्यूज की बात की जाए तो ONGC की न्यूज यहां से आप चेक कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो न्यूज ये है कि यहां पे आप पढ़ सकते हो ONGC विदेश इन गैस डील्स इन अजरबैजान, ठीक है, डील स्टैनली सीज 45% अपसेट। तो ONGC में कोई भी ऐसी दिक्कत मुझे नहीं लगी। बात की जाए टाटा मोटर्स की, किसी ने ये कमेंट किया था कि सर मैंने 6 महीने के लिए होल्ड किया है टाटा मोटर्स को, टॉप पे 1000 प्लस के आसपास का मुझे प्राइस याद है, मैंने कमेंट में पढ़ा था। तो भैया आपको होल्ड करना पड़ जाएगा, ठीक है। स्टॉक बहुत अच्छा है, ये अभी 900 पे है, आग बंद करके 6 महीने में तो मैं नहीं बोलता, लेकिन आग बंद करके 1 साल 2 साल 3 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि ये कब 2000 चला जाएगा कोई भरोसा नहीं। अगर आप इसको 2 साल पहले देखते तो ये 100 रुपए पे मिलता, 200 पे मिलता, आज ये 1000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा आपको भी पता है बहुत सारी इन्वेंट्रीज, ठीक है, बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो स्कोडा हो, वोक्स वैगन हो, कोई सी भी इन्वेंट्रीज बहुत सारी बची हुई है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा स्टॉक्स गिर रहे हैं, ठीक है। और इसका मैं तो टारगेट बताया था नीचे गिरने का, 920 के आसपास तक गिर सकता है, 940 तो आ ही गया, ठीक है। 920 के पास एक्युमुलेशन जोन है यार इसका, वहां से फिर इसकी बाइंग स्टार्ट होगी, फिर इसको कोई नहीं रोकने वाला 1000 1100 1200। अगेन दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस इज ओनली अ प्योर लर्निंग, ठीक है, विथ प्राइस एक्शन एंड न्यूज, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा डाउन है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस 6 महीने के ड्यूरेशन को अपना 1 साल 2 साल आप बढ़ा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं हम लोग मार्केट की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की, कल क्या कर सकता है सर, ठीक है, क्या होगा हमारा सपोर्ट एनालिसिस। ये देखिए, ये जो आपको मैं सिखा रहा हूं जोन बनाना, कि इस तरह से अगर मार्केट ऊपर जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास, तो आराम से अगर यहाँ पे कोई भी वीक कैंडल दिखेगी तो नीचे की तरफ सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे ये रहा सपोर्ट सर, यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखेगी तो यहाँ से इस तरह से बाय कर सकते हो, ठीक है। अब कितना होल्ड करना है, कि जो इसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से अपना होल्ड कर सकते हो। चलिए बात
बात करते हैं कल के लिए। अभी अगर मैं देखूं कि मेरा गिफ्ट निफ्टी अभी कितना चल रहा है, 27+ चल रहा है यार। अब देखो सुबह तक क्या होता है पता नहीं। मतलब फ्लैट ओपनिंग अगर हो गया तो फिर से नो ट्रेडिंग डे ही रहने वाला निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो इसलिए स्टॉक्स पे भी आप फोकस आप कर सकते हो। चलिए बनाते हैं कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा यहाँ पे है मेरा क्लोजिंग 54,000 का, ठीक है 54,101 का क्लोजिंग है। यहाँ पे मार्केट में आया, यहाँ ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट, ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अगर मैं गैप मेंटेन किया जाए, गैप कितने का है यार, 150 पॉइंट का, ठीक है चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, सही है गैप। और अगर नीचे मार्केट आया तो अगला सपोर्ट यहां से लेगा, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट यहां से लेगा, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल सर गैप अप ओपन हो गया तो 54,200 का हम लोगों ने एनालाइज किया था, 220 के आसपास का स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रहा था, ठीक है। इसके बाद 100 से 110 पॉइंट ऑल टाइम हाई पे, यही तरीका आप देख रहे हो कितने दिनों से काम कर रहा है, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे यही काम करता है और कोई भी तरीका नहीं है। अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो फिर यहाँ ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑल टाइम हाई के लिए, ठीक है। सॉरी ये वाला लाइन 449, इसके बाद एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा। आप ही मुझे बताइएगा कि एक्यूरेसी कितनी होती है जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, ऑल टाइम हाई पे हो या फिर बॉटम पे हो, ठीक है। ये मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर गया मार्केट तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं से रिवर्सल करेगा, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखिएगा, अपने ऑप्शन चेन से रिलेट करिएगा, अगर दोनों के दोनों मैच हो गए तो नीचे के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और बॉटम के साइड के लिए ये रहा, ये सारे रिवर्सल जोन है, ये रिवर्सल जोन है, मार्केट यहाँ आया तो रिवर्स कर सकता है, यहाँ आया तो रिवर्स कर सकता है। और अगर टूटना स्टार्ट किया तो भैया लाइन से अगर दो लाइन टूट गया ना, दो सपोर्ट टूट गया, तो फिर वो मार्केट फॉल ही कर जाएगा, वीकनेस आ जाएगी, लेकिन उतना वीकनेस तो दिख नहीं रहा है गिफ्ट निफ्टी को देखकर, ठीक है। अगर बात की जाए निफ्टी 50 को तो ऑल टाइम हाई 26,000 का लेवल टच कर दिया है। 27,000 का मेरा टारगेट था, 27,000 का टारगेट मैंने 9 सितंबर से दे रखा था, जब मेरा निफ्टी करीब करीब 23,000 के लेवल पे था और बैंक निफ्टी 50,000 के लेवल पे था, तभी मैंने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी मेरा 55,000 टच करेगा और निफ्टी 50 मेरा 27,000 टच करेगा। 23 था या 24 था यार मुझे याद नहीं है, देख लीजिएगा 9 सितंबर के आसपास, ठीक है। चलो बात की जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो नेक्स्ट सपोर्ट ये वाली लाइन आएगी, इसके बाद ये वाली लाइन आएगी। एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे इतना इजीली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। गैप देखा जाए 68 पॉइंट, परफेक्ट गैप है, ठीक है। अगर इसके नीचे जाएंगे तो आप ये वाला सपोर्ट आएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसके बाद ये वाला सपोर्ट आएगा, ठीक है। अच्छा सर अगर गैप अप ओपन हो गया, ऊपर ओपन हो गया, तो फिर बस 50 से 55 पॉइंट गिनना स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से, और 70 to 80% मार्केट इसी को फॉलो करेगा। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितना फॉलो करता है ये वाली लाइन, 50-55 पॉइंट सिंपल गिनते जा रहे हैं ऑल टाइम हाई पे। यही तरीका विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स मैं ऐसा ही ड्रॉ करते आ रहा हूँ और यही हमेशा काम करता है। ये रहा मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। नीचे में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, लाइव मार्केट में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते फिर अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो सब कर दीजिएगा, रात बहुत हो चुकी है, रात के 2 बजने वाले हैं। जो रात को वीडियो देखेंगे उनके लिए गुड नाइट, जो कल सुबह वीडियो देखेंगे उनके लिए गुड मॉर्निंग। चलिए कल मिलते हैं आप सुबह।